हाँ जी सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2017. पॉइंट सेट पॉइंटी का क्वेश्चन है तो क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर है और देन और इक्वल टू एपसाइलन लेस इक्वल टू वन बाई टू ये एपसाइलन की वैल्यू दी हुई है और एक ए एप्सिलॉन सेट डिफाइन किया गया है विच इज एन ओपन इंटरवल जीरो टू वन माइनस एपसाइलन ठीक है अब इसके रिस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास दिख रहा है वो है सुप्रीमम पिक करना है जब लेस देन एप्साइलन लेस देन वन बाई टू एंड देन सुप्रीमम ऑफ ए एपसाइलन वो कह रहा है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन ठीक है तो सबसे यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले सुप्रीम ऑफ ए एलन लिया गया एंड देन उस क्वांटिटी का फिर सुप्रीम लिया हुआ है ए एप्साइलन जो है वो एक ओपन इंटरवल है तो अगर मैं सुप्रीम ऑफ ए एप्साइलन की बात करता हूं तो वो डेफिनेटली वन माइनस एपसाइलन आएगा क्योंकि एक ओपन इंटरवल है जिसका अपर बाउंड वन माइनस एप्सायलन हो जाएगा ठीक है तो ये बेसिकली क्या है एक फंक्शन ऑफ एप्साइलन है तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं दिस इज अप्रीम वैल्यू ऑफ देन एपसाइलन लेस देन वन बाई टू ऑफ और ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास वन माइनस एप्साइलन विच इज एफ ऑफ एप्साइलन ठीक है ये आ गया अब वन माइनस एप्साइलन जब एप्साइलन को मैं जीरो की तरफ टेंड करूंगा ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एपसाइलन ठीक है तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जीरो पे इसकी वैल्यू वन है वैल्यू वन बाई टू है तो इसका सुप्रीम वैल्यू डेफिनेटली क्या वन जब एपसाइल को पे? लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? लेस देन एपसाइलन विच इज फॉल्स स्टेटमेंट और यहां स्टूडेंट गलती करता है ठीक है यहां डबल सुप्रीम दिया हुआ है अगर वह यह देता तो वन माइनस एपसेलन आता है और एपसालन पॉजिटिव दिया हुआ है एप्सैलन ग्रेटर देन जीरो यहां जो एपसालन होगा वो ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा वन से लेस होगी लेकिन उसने डबल सुप्रीमम लगाया इसलिए वैल्यू लेस देन वन नहीं होगी इक्वल टू वन आ जाएगी तो पहला ऑप्शन फॉल्स सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि जीरोसन एपसालन टू लेस देन वन बाई टू देन इनफीम वैल्यू ऑफ ए एफसेलन वन तो कोई भी एफ्सायलन ले लो इनफीम वैल्यू ऑफ ए एफ साइलन ए एफसाइलन एक ओपन इंटरवल है जिसका लोअर बाउंड जीरो है तो इनफीम वैल्यू हमेशा जीरो आएगी फॉर एवरी एपसाइलन क्लियर है तो ए एफसायलन मैं लिखूंगा तो जीरो आएगा इनफीम वैल्यू ऑफ ए एफ साइलन टू लिखूंगा तो भी जीरो आएगा लेकिन सेकेंड ऑप्शन में कह रहे कि इनफीम ऑफ ए एफ्सायलन वन लेस देन इनफ्यूम दिस बट यहां इक्वल है तो ये जो बी ऑप्शन है डेफिनेटली फॉल्स ऑप्शन है क्लियर थर्ड ऑप्शन पे आते हैं थर्ड ऑप्शन में वो सुप्रीमम के बारे में बात कर रहा है तो सुप्रीमम ऑफ ए एपसाइलन जो लिखा वो क्या लिखा वन माइनस एप्साइलन लिखा अब उसने दे दिया कि एप्साइलन वन जो है वो लेस देन एपसाइलन टू है और लेस देन वन बाई टू और ग्रेटर देन जीरो तो गारंटी है कि सुप्रीम ऑफ ए एपसाइलन वन जो आएगा वो दैट इज वन माइनस एफसेलन वन एंड सुप्रीम वैल्यू ऑफ ए एपसाइलन टू जो आएगा वो आएगा वन माइनस एफसेल एपसाइलन टू एपसेलन वन से ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी ये स्मॉलर क्वांटिटी है ये लार्जर क्वांटिटी है तो ओवरऑल क्या होगा ये क्वांटिटी आ जाएगी तो सुप्रीम ऑफ ए एफसेलन वन लेस देन सुप्रीम ऑफ ए एफ साइलन टू तो जो सी ऑप्शन है डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है ठीक है और इसी टाइप से डी ऑप्शन में वगैरह सुप्रीम ऑफ ए एफ साइलन इंटरसेक्शन वन माइन सॉरी इंटरसेक्शन विद क्यू ले रहा है इज इक्वल टू सुप्रीम वैल्यू ऑफ ए एफ साइलन इंटरसेक्शन विद क्यू कॉम्प्लीमेंट यह आपको डी ऑप्शन में इंफॉर्मेशन दी गई है ठीक है तो यहां अगर मैं इस सेट की बात करूंगा तो इस सेट को मैं B नाम देता हूं तो B- डैश की अगर बात करूंगा, लिमिट पॉइंट का सेट तो वो आपके पास क्या आएगा क्लोज इंटरवल जीरो टू एफ सेवन क्योंकि इस इंटरवल में सारे रैशनल नंबर हैं तो उसके लिमिट पॉइंट ये आ जाएगी इसको अगर मैं नाम C देता हूं तो C डैश जो आएगा दैट इज ऑल्सो

वन माइनस एक्सल बोथ आर इक्वल तो जो डी ऑप्शन है इट शुड बी ट्रू ऑप्शन ठीक है तो आपका आंसर इज सी एंड डी आंसर क्लियर है